the power 2 to the power x is equal to 16 to the power 2 to the power 3x. Then x is equal to, देखो यहाँ पे गिवन है 2 to the power 2 to the power x, और राइट हैंड साइड में आपको गिवन है 16 to the power 2 to the power 3x. आप थोड़ी देर के लिए इसको y समझ लो, थोड़ी देर के लिए इसको आप z समझ लो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया है 2 to the power y is equal to 16 to the power z. अब 16 को आप लिख सकते हो 2 to the power 4 और 2 the power z है, इट मींस 2 to the power क्या है 4z. तो अगर बेस इक्वल है 2 दोनों साइड, तो इसके पावर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो y is equal to आपको क्या मिल जाएगा 4z. अब y का वैल्यू फिर से रख दो यहाँ पे, तो ये 2 to the power x है, तो 4 into z, z का वैल्यू क्या था 2 to the power 3x, इसको आप फिर से लिख सकते हो 2 to the power 2 into 2 to the power 3x. अल्टीमेटली ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 to the power क्या हो जाएगा 2 plus 3x. फिर से यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर्स इसके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो x is equal to क्या मिल जाएगा 2 plus 3x. तो यहां से माइनस टू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3x माइनस एक्स, तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस वन, और वही हमारा क्या होगा आंसर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.